तो गाइस इतना देर से हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं उड़ीसा का पुरी। तो गाइस यदि आप पुरी का एक टूर प्लानिंग कर रहे हैं, या तो फिर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं, या तो फिर पुरी का जो फेमस प्लेस है यानी कि टूरिस्ट प्लेस है यदि वो घूमने के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोगों को मिलेगा पुरी का फुल ट्रिप गाइड। आपको कहाँ पे रहना है, होटल का प्राइस कितना होगा, घूमने का प्लानिंग कैसे करें, फर्स्ट कहाँ पे जाए, सेकंड कहाँ पे जाए, या तो फिर खाने में क्या खाए और पैसा कितना खर्च होगा, तो ये पूरा जो प्लानिंग का एक गाइड आप लोगों को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक बिना स्किप किए। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ है कोलकाता से, और कोलकाता से तीन स्टेशन है पुरी जाने के लिए, हावड़ा, सियालदा एंड शालीमार। तो हम लोग का जो स्टेशन है वो है शालीमार। तो हम जाने वाले थे हावड़ा या तो फिर सियालदा से, लेकिन टिकट कंफर्म ना होने के वजह से अभी जाना पड़ रहा है शालीमार स्टेशन से। तो आप यदि पुरी का टिकट करते हैं तो दो हफ्ता से एक महीना पहले ही कर लीजिएगा, या तो फिर टिकट कंफर्म होने में प्रॉब्लम होता है। और कोलकाता से जो पुरी का जो डिस्टेंस है वो है 7 से 9 घंटा लगता है ट्रेन के हिसाब से। तो रात को जाना बेटर होता है क्योंकि जाते जाते सुबह हो जाता है, पुरी सुबह ही पहुँचते हैं, और जब सुबह पहुंचते हैं तो रूम ये सारा कुछ मैनेज करने में भी मतलब सुविधा होता है। तो गाइस हम भी सुबह सुबह ही पहुंच गए थे लगभग 6 बजे, और हमारा स्वागत हुआ बारिश से। तो बारिश तो अच्छा ही होता है लेकिन हमारे लिए थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि उतर के हमें रूम ढूंढना था और बारिश के वजह से जो है रूम नहीं ढूंढ पाए। तो जो जल्दबाजी में जो रूम मिले वही ले लिए हम, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ा, 1500 रुपया पड़ा एक रूम का। तो यदि आप लोग आते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के रूम ढूंढ लीजिएगा जो कि मिलेगा 500 से लेकर 1000 रुपया तक अच्छा रूम मिल जाएगा, वो भी बीच के आसपास में। एंड गाइस रूम में फ्रेश होके उसके बाद जो भी नाश्ता करना है कर लीजिएगा, पास में होटल रहेगा बहुत सारा जाके। उसके बाद अभी डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है, बीच पहले कवर करना है या तो फिर मंदिर। तो सुबह का टाइम था तो हम भी आप लोगों की तरह ही सोचे, हम लोग चला गए मॉर्निंग के टाइम में जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पे घूमे आराम से, वीडियोस बनाए जगन्नाथ मंदिर में, अंदर जाके दर्शन किए, ये सारा कुछ कवर कर लिए हम लोग सुबह सुबह ही। तो गाइस देखिए पहुँच गया अभी जगन्नाथ मंदिर। तो फटाफट अभी देखते हैं, चप्पल जूता सब रखना पड़ेगा, साथ में जो मोबाइल है मोबाइल भी मंदिर के भीतर अलाउ तो है नहीं, तो यहीं पे रख के जाना पड़ेगा। यहाँ पे है जगह वो रखने के लिए, इधर है जगह रखने के लिए, इधर ही रखता हूँ और जाते हैं अंदर। तो गाइस हम लोग अंदर से दर्शन करके आ गए हैं मंदिर के अंदर से, और अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ही बड़ा लाइन होता है, तो वहाँ पे वेट भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो जो भी हो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। एंड गाइस पुरी का जो स्पेशल खाजा है वो ले लीजिएगा, खाने के लिए हो या तो फिर घर के लिए। और घर के लिए लेते हैं तो और एक चीज़ ले सकते हैं, मंदिर के अंदर आप लोगों को एक प्रसाद मिलेगा कटोरी में, तो वो ले लीजिएगा, समथिंग 250 रुपीज़ प्राइस होता है उस प्रसाद का, वो ले सकते हैं। और दो चीज़ हम लोग मिसिंग कर गए, एक चीज़ जो हो गया मंदिर का भोग जो कि इवनिंग टाइम में मिलता है, और एक सीन देखने को मिलता है इवनिंग टाइम में, मंदिर का जो मेन फ्लैग यानी कि जो झंडा होता है वो चेंज करता है हर रोज, तो वो सीन भी बहुत ही मतलब अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है वो सीन। तो वो सीन भी हम लोग नहीं देख पाए मॉर्निंग जाने के मतलब मॉर्निंग गए इसके वजह से। तो यदि आप लोग जाते हैं तो इवनिंग टाइम में वो चीज़ कवर करने की कोशिश कीजिएगा, तो जो भोग है भोग और जो सीन है झंडा बदलने का वो सीन आप लोग देख पाइएगा।
एंड गाइस मंदिर से रिटर्न होने के टाइम ही आप रास्ते में कहीं पे अपना खाना खा लीजिएगा, भारी भरकम में कुछ खा लीजिएगा। खाने के बाद उसके बाद जाइएगा रूम, रूम में आपको 1 से 2 घंटा रेस्ट करने के लिए जो है टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपको निकलना होगा बीच के लिए। देखिए गाइस सब भुक्कड़ बैठा है इधर खाने के लिए, सब भुक्कड़ है ये लोग देखिए। तो गाइस हम लोग जो है राइस ही खाए थे यहाँ पे, भेज थाली आपको 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसे करके मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा जो खाना का जो प्राइस है वो ज़्यादा है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस हो जा रहा है जिसके वजह से। तो हमने यहाँ पे खाना वाना खाए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके बीच। तो गाइस अभी पहुँच गए हम लोग पुरीकास्ती बीच और देखिए गंगा जो नज़ारा है। तो गाइस ये जो बीच है एक्चुअली हमारे रूम के पास ही था, तो मेन जो बीच है उधर है, तो उधर हम लोग जाएंगे लगभग 2 किलोमीटर जैसा है ऑटो लेके। तो अभी इधर थोड़ा ही ऐसे निकल के आए तो सोचे कि रूम के पास जो बीच है वो भी एक बार कवर कर लेते हैं। और जो आप लोग रूम लेते हैं गाइस वो बीच के सामने ही लीजिएगा क्योंकि मंदिर तो एक बार ही जा सकते हैं, या तो फिर आप अपना हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन अच्छा होता है जो रूम लीजिएगा वो बीच के पास ही लीजिएगा। तो हम लोग अभी आगे मेन बीच पे, यानी कि ये जो बीच है ये गोल्डन बीच है, हमारे रूम से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो ऑटो लेके इधर आ गए और ये जो गोल्डन बीच है एक्चुअली यहाँ पे ही भीड़ भाड़ होता है और मार्केट लगता है साइड में, ऊँट वगैरह होता है, या तो फिर आप बोटिंग भी कर सकते थे लेकिन अभी बंद है। हम जिस टाइम में गए एक्चुअली जिस टाइम में पूरी आए थे इस टाइम में थोड़ा पानी ज़्यादा हो रहा था, बारिश हो रहा था और पानी बहुत ऊपर तक आ रहा था, जिसके वजह से मेन मार्केट और बीच का भी जो बोटिंग ये सारा कुछ बंद था। एंड गाइस यदि आपका लक अच्छा होता है तो बीच में ही ऐसा कुछ रियल टैलेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बीच का जो रेट होता है वहाँ से एक मतलब उसी रेट से एक शिव भगवान का जो स्टैचू बना रहा है। तो गाइस हम लोग भी थोड़ा वुड चढ़े और सोचा था कि थोड़ा बोटिंग पैराग्लाइडिंग यानी कि जो पैराशूट से करते हैं वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण कुछ नहीं हुआ क्योंकि समुद्र का पानी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था जिसके वजह से मार्केट भी बंद था। तो सोचा था कि बीच के साइड में सी फूड्स ट्राई करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। और आप लोग यदि आते हैं तो जो टाइमिंग है आप लोग आइएगा ठंड और गर्मी का जो बीच का जो सीज़न है उस सीज़न में आने के लिए ट्राई करिएगा क्योंकि उस सीज़न में पानी भी बहुत नीचे रहता है समुद्र का पानी और मार्केट्स वगैरह खुला रहता है, पैराग्लाइडिंग या तो फिर बोटिंग ये सारा कुछ कर सकते हैं इजीली। तो गाइस हम लोग बीच से आ गए थे और अभी खाना खाने के लिए निकले हैं, तो जाते हैं अभी खाना खाने और सी फूड्स ट्राई करेंगे हम लोग क्योंकि बीच में तो ट्राई नहीं कर पाए। तो गाइस हम लोग अभी ऑर्डर किए हैं क्रैप्स यानी कि केकड़ा और चिंगड़ी माछ यानी कि जो पॉर्न या तो फिर प्रॉन जो भी हो, तो ऑर्डर किया है हम लोग, अभी देखते हैं इसका टेस्ट क्या होता है गाइस। तो गाइस खाना आ गया है, कैसा है ठीक है। तो इधर है क्रेप्स और इधर है पॉन्ड, तो अभी ट्राई करते हैं देखते हैं। कौन ट्राई किया ठीक ठाक है बस, अभी कैप ट्राई करते हैं। ठीक है नो प्रॉब्लम। और राइस में है ये है आलू भुजिया है, पापड़ है, दाल है
स्लाइड है और ये है चिकन। तो खाते हैं फटाफट। तो गाइस सभी जो है हम लोग का नेक्स्ट डे यानी कि कल के लिए सेलिंग हो रहा है और यहाँ पे अभी हम लोग कंफ्यूज है बेसिकली, तो कंफर्म कर लिए हैं हम लोग जा रहे हैं कल यहाँ पे सिल्का डॉल्फिन देखने जा रहे हैं और क्रैब्स। तो गाइस आप लोग यदि पुरी आते हैं तो पूरे 3 दिन का ट्रिप प्लान करके आइएगा, क्योंकि फर्स्ट डे आप लोगों को चला जाएगा मंदिर और बीच कवर करने में और सेकेंड डे चले जाइएगा चंद्रभागा, कनार्क, सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर। ये पूरा एक ट्रिप होता है, 10-12 जगह आपको पूरा घुमाएंगे। ये जो जगह जो देख रहे हैं आप लोग ये पूरा घुमाएंगे और सेकेंड डे या तो फिर उसे मतलब थर्ड डे चले जाइएगा चिल्का लेक। तो 3 दिन का पूरा ट्रिप प्लान कीजिएगा। तो हम लोग एक्चुअली 2 दिन का ट्रिप प्लान ही करके आए थे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी चिल्का लेक। तो यही होता है फर्स्ट डे का समाप्ति। सो कल मिलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी रेडी हो गए हैं चिल्का लेक जाने का, तो अभी जाते हैं बस स्टैंड चिल्का लेक जाने का स्टैंड पे ऑटो एक लेके। और यहाँ पे गाइस हर एक चीज़ का जो प्राइस स्टेबल नहीं है, हर एक चीज़ का प्राइस आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। रूम का प्राइस हो, खाने का प्राइस हो, आपका ट्रेवल करने का प्राइस हो, बस का प्राइस हो, ऑटो का प्राइस हो, हर एक प्राइस को आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा और आपका बार्गेनिंग करने के हिसाब से ही वहाँ पे प्राइस आपका होगा। तो इसीलिए देख के थोड़ा समझ के अपना बार्गेनिंग करके जो है जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपका सूटेबल हो, वो प्राइस आप दीजिएगा। तो अभी हमने जो बस का बुक कराए थे लास्ट नाइट को ही एजेंसी से, हमारे रूम के पास ही एक एजेंसी था तो वहाँ पे जाके हमने बुक कराए हैं बस, और जो कि पर पर्सन 150 करके। तो वो बार्गेनिंग के मुताबिक आपका होगा, 150 से आप डाउन भी आ सकते हैं या तो फिर लास्ट 180 तक आप जा सकते हैं आपका रूम से चिल्का लेक। जो झील है यानी कि जो लेक है यही है, ये बहुत बड़ा एक लेक है, तो यहीं पे हम लोग जाएंगे अभी। बोट है एक्चुअली इस टाइप के ही है, ये नाव है। तो गाइस अभी हम लोग बोट के लिए निकल चुके हैं यानी कि नाव के लिए, अपना जो है सेल्फ सेफ्टी को ध्यान रखते हुए। यहाँ पे आपको एक लाइफ जैकेट लेना पड़ता है हर कोई, तो ये सारा कुछ लेके अभी निकल चुके हैं बोट के लिए। तो गाइस ये जो लेक है एक्चुअली डायरेक्टली समुद्र से कनेक्टेड है और इसका जो गहराई है 4 से 5 फीट है, इतना भी ज़्यादा है नहीं। और अभी बोट की प्राइस की बात करें तो आप पूरा बोट को रिजर्व भी कर सकते हैं अपने ग्रुप के हिसाब से, या तो फिर आप पर पर्सन के हिसाब से भी दे सकते हैं। आपको 250 से लेके 400 रुपया तक का आपका प्राइस लग सकता है। तो आपको आपको अपना बार्गेनिंग के हिसाब से आपको खुद आके इस जगह पर बुक करना है। आप जिस गाड़ी पे आएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारा प्राइस बोलेगा, बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारा कुछ बोलेगा, लेकिन आपको आके खुद बुक कराना है और बार्गेनिंग करके गाइस। तो गाइस थोड़ा दूर चलते ही आपको ऐसा एक टापू पे रुकाएगा आपका बोट और यहाँ पे कुछ टाइप्स का आपको क्रैब्स दिखाएगा, केकड़ा दिखाएगा और एक दो चीज़ आप लोगों को दिखाएगा। और यहाँ पे आपके साथ हो सकता है एक बिग स्कैम, तो आप देख के समझ के थोड़ा सोच के उस स्कैम से बचिएगा और आपका हिसाब से आप देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा गाइस, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलने जाऊँगा। ज्वेलर में क्या रेट सब लेता है, देखो आंगूठी होगा, कान का होगा, जो भी करेगा। तो गाइस एक्चुअली मुझे भी लगा था एक टाइम के लिए ये रियल है, लेकिन बाद में बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा चीज मैंने देखा जहाँ पे जाके लगा कि ये सब चीज तो ये तो स्टोन है, तो ये कहाँ पे मतलब वैसा चीज तोड़ने से निकलेगा, उसके अंदर निकलेगा, तो ये सरासर एक स्कैम है। तो आप यदि देख रहे हैं कोई इस वीडियो, इस चीज़ के बारे में यदि नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एक्चुअली ये रियल है या तो फिर ये स्कैम है। एंड गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं डॉल्फिन देखने के लिए और हम लोगों का लक ख़राब था,
उस दिन डॉल्फिन जो है अपना ससुराल गई थी एक्चुअली, तो इसीलिए हम लोगों को जो डॉल्फिन है वो नहीं दिखाई दिया। और एक्चुअली जो पानी है बहुत ही कम है इस सीज़न में, हम लोग जब गए थे इस लेक का पानी, या तो फिर पता नहीं किस रीज़न से डॉल्फिन हमें दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पे डॉल्फिन जो है गाइस पूरा नहीं दिखता है, या तो फिर उछलता हुआ डॉल्फिन नहीं दिखता है। तो कभी आप लोगों को दिखेगा पूंछ, तो कभी पीठ, तो कभी थोड़ा और कुछ दिखेगा, बस यही पूरा उछलता हुआ डॉल्फिन इस लेक में देखने को नहीं मिलता है गाइस। तो देखिए गाइस कितना सारा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब सारे लोग जो है डॉल्फिन देखने के लिए आए थे, लेकिन उस दिन सबका लक खराब था एक्चुअली, सबका जो पैसा है वो वेस्ट हुआ। तो एक्चुअली एक चीज़ बता दूं गाइस, यहाँ पे आने से पैसा वेस्ट नहीं होता है एक्चुअली, इतना बड़ा लेक है, आप बोट के ऊपर आते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारा बोट आपकी बोट के साथ आता है, तो एक अलग ही एन्जॉयमेंट, एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है लेक पे आके। तो डॉल्फिन देखने को मिले या ना मिले, इस लेक पे आइएगा ज़रूर इसी थोड़ा सा एन्जॉयमेंट के लिए। तो गाइस लेक से रिटर्न होते टाइम ऐसा एक छोटा जो है टापू यानी कि आइलैंड पे आपका बोट रुकेगा, आपको रुकाएगा, यहाँ पे आप एक चाय का मज़ा ले सकते हैं आइलैंड पे। और यहाँ पे बहुत सारा टाइप का सी फूड से जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, तो हमने भी कुछ ट्राई किए। और ट्राई करने के बाद यहाँ से लगभग हाफ किलोमीटर की दूरी पर एक बीच है जो कि चिल्का बीच है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल बीच है, शांत सा बीच है, जहाँ पे हम गए थे, आप भी जा सकते हैं, अपना वीडियोस, फोटोस, रील्स शूट कर सकते हैं। और बस अच्छा से यहाँ से निकलते हुए जाइए, कुछ खाइए, खाना वगैरह खाइए, खाने के बाद रूम पे। तो गाइस हम लोग चिल्का का जो टूर है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और एक जगह बच गया था तो जिसके लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रिप प्लानिंग था 2 दिन का, और आप लोग यदि करते हैं तो 3 दिन का कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन में पूरी का जो टूर प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जो बचा था लास्ट का ये था, इसमें पूरा 10 जगह आप लोगों को कवर कराएगा, चंद्रभागा, मुक्तेश्वर, जैसे कि जू, ये सारा कुछ दिखाएगा, उदयगिरी। तो इसका भी टिकट आप लोग कर लीजिएगा, टिकट का प्राइस 250 से लेके 300 इसके बीच में आएगा, और इसका जो मान लीजिए 10 से 12 घंटा आपको लगेगा ये ट्रिप प्लानिंग करने में, तो इसका भी कर लीजिएगा आप लोग। तो गाइस हम जो है पूरी का जो पूरा टूर का कितना खर्च होता है, कहाँ पे कितना हुआ था वो सारा कुछ करके रखे हैं, तो फर्स्ट डे कितना हुआ है, सेकेंड डे, थर्ड डे कितना हुआ है, सारा कुछ करके रखे हैं, तो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। अभी ट्रेन टिकट्स जो हम लोगों का हुआ था, तो हम लोगों का कोलकाता से जर्नी हुआ था, तो 700 हुआ है ट्रेन का अप एंड डाउन दोनों मिला के। उसके बाद रूम का जो है 1500 लिया था, तो पर पर्सन के हिसाब से निकालेंगे तो हम लोग 4 थे, तो मान लीजिए 400 रुपया पकड़ के रखें। और ऑटो रेंट यानी कि स्टेशन से रूम आने के लिए, उसके बाद रूम से हम लोग मंदिर गए, मंदिर से फिर से रूम आए, रूम से फिर से बीच गए, तो ये सारा कुछ मिला के फर्स्ट डे में हम लोगों का ऑटो का रेंट था इतना, ठीक है। उसके बाद खाना हो गया, मान लीजिए हम लोग 3-4 टाइम पूरा खाए थे, तो खाना में हम लोगों का ज़्यादा खर्च हुआ था एक्चुअली, तो ये 440 रुपया पकड़ के रखे हैं। और एक्स्ट्रा में मान लीजिए कुछ लिए वहाँ पे, कुछ घूमे, एक्स्ट्रा कुछ खाए, कुछ ले लिए वहाँ पे, ख़रीद लिए, तो ये सारा कुछ मिला के हो जाता है इतना लगभग। आप लोग अपना हिसाब से, अपना जो खर्च के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम लोगों का जो हुआ है वो दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप यदि ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग एक कैलकुलेट कर पाएँ। और सेकेंड डे का जो है, सेकेंड डे का रूम का तो नहीं लगेगा, और ट्रेन का टिकट बच गया है, यानी कि ये सारा कुछ फर्स्ट डे में ही काउंट हो गया, इसीलिए ये जो है ज़्यादा दिखा रहा है। तो सेकेंड डे मॉर्निंग में ही चिल्का जो है, चिल्का का बस 150-180 जो भी लगता है वो 10-20 रुपये कम होगा, इधर उधर होगा। लेक टूर जो बोट का यानी कि नाव का जो प्राइस होता है, उसके बाद वहाँ पे खाना खाए या तो फिर एक्स्ट्रा कुछ और खर्च हो गया, मान लीजिए 300 रुपये मैं पकड़ के रखा हूँ, तो इसका हो गया 850 रुपीज़। उसके बाद थर्ड डे, तो हम लोग एक्चुअली यहाँ से ही रिटर्न हो गए थे रूम, थर्ड डे का हमने ट्रिप नहीं किए थे। थर्ड डे का ऐसे ही पूरा 10 जगह आप लोगों को घुमाएगा आसपास का, मान लीजिए कि चंद्रभागा हो गया, कन्नार्क, उसके बाद जू जो है वो सारा कुछ घुमाएगा, उसमें भी उसमें
आपको एक रूम का रेंट पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो गया फर्स्ट नाइट, इसमें फर्स्ट नाइट चला गया, सेकंड नाइट आपको लगेगा इसमें, तो रूम का रेंट अगेन 400। उसके बाद बस का जो टिकट है 250, 280, 300 ऐसे करके पड़ेगा, तो मैं 250 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद खाना वाना खाए, एक टाइम तो खाना खाना ही पड़ेगा वहाँ पे, सुबह ही जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रिप होता है पूरा 12 घंटा का होता है, 12 आवर्स का ट्रिप होता है ये वाला, और ये वाला जो ट्रिप होता है ये 6 to 7-8 घंटा का होता है, ये चिल्का वाला। तो इसमें खाना 100 रुपया और टिकट, वहाँ पे मंदिर वगैरह या तो फिर कुछ ऐसा जगह घुमाएगा, यानी कि उसका कुछ टिकट्स लगता है, वो टिकट और एक्स्ट्रा खर्च पकड़ के मैं 400 पकड़ लिया। तो अभी ये जो तीनों हैं, ये तीनों का मिला के हो रहा है 4,050 रुपया, यानी कि 4,000 ही पकड़ के चलो, और 500 रुपया फिर से मैं एक्स्ट्रा में पकड़ दिया, यानी कि 4,500 रुपया में पूरा जो ट्रिप है कंप्लीट हो जाएगा, पूरी का ये जो पूरी जो टूर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से आप लोग अपने हिसाब से जो एक्स्ट्रा में पकड़ के रखा हो ये आप लोग निकाल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा जो है आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि ये एक्स्ट्रा खर्च आप नहीं करेंगे तो मान लीजिए 3,000 से लेके 4,000 या तो फिर 4,000, 4.5 के यहाँ पे 3K से लेके 4.5K पकड़ के जब चलेंगे तो ये ट्रिप इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है पूरा पूरी टूर का एक मतलब शॉर्टली जो कैलकुलेशन है, जो खर्च होगा वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, लगभग वही 3,000 से लेके 4,000, 4,500-5,000 वो आपके हिसाब से होगा। तो हम लोगों का जो खर्च हुआ उसके ऊपर एक मैं आप लोगों को दिखाया, ताकि आप लोग यदि प्लानिंग करते हैं तो एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि कितना खर्च होगा। तो यही है, तो बाय बाय पुरी एंड बाय बाय उड़ीसा। तो गाइस जा रहे हैं हम लोग अभी 8:15 पे ट्रेन है, तो ये रहा पुरी स्टेशन। सो बाय बाय पुरी एंड एकदम एंड में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सो टाटा, बाय 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 बाय।